जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधुं मंगलमय मंगलकरण प्रीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंताभिमान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पहराज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो सिद्ध शिव आत्मा का हित मोक्ष ही है, इसलिए हमें अपने जो क्षयोक्षम ज्ञान प्रकट हुआ है उसका उपयोग मोक्ष का स्वरूप समझने में, मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझने में और मोक्ष मार्ग की विधि समझने में ही लगाना चाहिए। बाकी जानने के लिए तो सारी दुनिया में बहुत सारे विषय पड़े हुए। अरे अपने द्वार सांग में भी सूर्य का, चंद्रमा का, ज्योतिष का, बुध लोक का है, आप ये तत्वासूत्र की टीकाएं वगैरह पढ़ें, तिलोय पंडिति वगैरह ग्रंथ पढ़ें, तीन लोग का बहुत विस्तार से वर्णन है, नरक का, स्वर्ग का, ज्योतिष का, नाट्य का, काव्य का, ऐसे बहुत ये नृत्य गायन की कलाएं जो है ना, छंद का, संगीत का, ये सब द्वादशांग में आता है। तो मार्केट में माल तो बहुत है, लेकिन हमारे हित के लिए कौन सा माल है वो हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए चारों अनियोगों में मोक्ष मार्ग की विधि किस तरह बताई है वो समझना चाहिए। ये प्रकरण 309 पेज पर अपन ने प्रारंभ किया है, तो ठीक है मोक्ष ही हितरूप है ऐसा निर्णय कर लिया, तो अब क्या करें उसके लिए? कर्म के भरोसे बैठे रहें कि जब कर्म का उपशम इत्यादि होगा तब होएगा, हैं? क्रमबद्ध के भरोसे बैठे रहें कि क्रमबद्ध में जब होगा तब होएगा, और अगर हम पुरुषार्थ करें तो क्या पुरुषार्थ करें? इसमें एक शब्द आया था इसलिए सेकंड पैराग्राफ में सबसे नीचे, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते, यहां मैंने बात छोड़ी थी। और ये कहा था, अगर मैं भूल गया होता तो जी अमित याद दिला देता लेकिन इसको मालूम है कि जी नहीं भूलेंगे ये पुरुषार्थ से उद्यम करना, इसका क्या मतलब? मैंने इस विषय में जो विचार किया है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे किसी ग्रंथ में पुरुषार्थ और उद्यम ये दोनों पर्यायवाची हैं या कुछ थोड़ा बहुत फर्क है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं? पुरुषार्थ की तो बहुत परिभाषा आती, उद्यम शब्द को जोड़ करके कोई बात मेरे पढ़ने में नहीं आई, इसलिए मैं अपने चिंतन के आधार से कहता हूं और आप सबके कमेंट्स आप लिख के दे देना मुझे देखो उद्यम माने एक्शन होता है, पुरुषार्थ से उद्यम करना। लोग थोड़ा लौकिक भाषा में कहें तो मन वचन काया के द्वारा जो व्यापार किया जाता है योग का उपयोग का वो उद्यम है, और उसमें जो जो करंट जो पावर है जो उत्साह है वो पुरुषार्थ है वास्तव। जैसे मजाक मजाक में एक बात कही जाती है कि पत्नी की तबीयत अच्छी रहेगी कि खराब रहेगी ये किस बात पे डिपेंड करता, मेहमान आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं? मायके पक्ष से आ रहे हैं तो उत्साह से उद्यम होगा, और दूसरे पक्ष से आ रहे हैं ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं,
जिन कार्यों में रुचि होती है, इधर रुचि अनुयायी वीर, एक गुरुदेव ने मंत्र दिया रुचि अनुयायी वीर, इसका क्या मतलब? यानी हमारे अंदर जो फोर्स है, जो ऊर्जा है, वो जिस विषय में रुचि लगती है उसमें होता है, और जहां रुचि नहीं है वहां मजबूरी में उद्यम तो करना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे हमारा कोई बल मनोबल काम नहीं करता, उत्साह नहीं रहता। तो वास्तव में जो उत्साह है वो वीर गुण का वो परिणमन है, एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिसिटी के करंट जैसा है, जो बिजली का करंट जैसा होता है ना, करंट है वो वास्तव में। तो पुरुषार्थ से उद्यम करना यानी उत्साह पूर्वक, बल पूर्वक, हित बुद्धि पूर्वक। छोटे बच्चे जिन्हें क्रिकेट की रुचि होती है, क्रिकेट का शौक रहता है, वो दिन 6-6 घंटे मान लो खेल रहे हैं छुट्टी के दिन, लेकिन फिर भी शरीर थकता है, मन नहीं थकता, वो जाके फिर लेट जाएंगे, फिर आंख पे दर्द होंगे, फिर मम्मी मालिश करेगी, वो सब उपचार करेगी, लेकिन उसको होश जो बनी रहती है खेलने की, वो उसकी खत्म नहीं होती। इसका नाम है पुरुषार्थ, इसका नाम है उत्साह, इसका नाम है ऊर्जा, पावर, जो भी आप शब्द देना चाहें। समझ में आए ना? बहुत बढ़िया प्रकरण है ये, पुरुषार्थ से उद्यम करने। और जिस काम में रुचि नहीं है तो करते रहते, ज्ञानी की रुचि विषय भोगों में नहीं रहती, इसलिए उसका विषय भोगों में उदयानुसार उद्यम तो होता है, यानी प्रयत्न तो होता है, मन वचन काय का ज्वाइंट तो होता है, लेकिन अंदर में उसकी रुचि नहीं रहती, इसलिए उसको अनंतानुबंधी बंध नहीं होता, ये उसका मनोविज्ञान है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुझे आज पुरुषार्थ और सर्वज्ञता इन दो के बारे में थोड़ी चर्चा आगे बढ़ानी है। वहां ये आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। अब ये भी थोड़ा समझने की बात है भाई, यानी बहुत से कारण तो ऐसे होते हैं कि जो होते जरूर हैं, लेकिन उनके होने पर कार्य हो ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। ये 5 समवाय वाली बात नहीं है, इसके लिए मैं आपको 313 पेज पे ले चलूंगा, 313 पेज सबसे नीचे निकाल दें। मोक्ष मार्ग का स्वरूप थोड़ा वहां अपन ने ब्रेक दे दिया है, क्योंकि वो आया ना, जिन कारण से कार्य सिद्धि हो वो करना चाहिए, जिससे नहीं हो गारंटी नहीं हो, वो तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा। मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, देखिए इतना प्यारा ग्रंथ है कि आप जिस स्पीड से मैं पढ़ रहा हूं उसी स्पीड से आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे आप गन्ने का रस पी रहे हो, टोडर मल जी सामने बैठ करके डायरेक्ट आपको बता रहे हो, ऐसी इसमें उनकी गद्य शैली में इतना आकर्षण है। जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादि कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना, वो मोक्ष है। यहां फिर से उन्होंने मोक्ष का स्वरूप बताया, और नास्ति से भी बताया और अस्ति से भी बताया। कर्मों का उदय आत्मा की अशुद्ध अवस्था में निमित्त है, जब ये जीव शुद्ध अवस्था का प्रयत्न करता है तो कर्म उदय हट जाते हैं। कर्मों की भी ऐसी स्टाइल है मालूम, वो ऑटोमेटिक गेट होते हैं ना, जो है पहले तो हम धोखा खा जाते थे, गेट खोलने वाला तो कोई है नहीं, अब एयरपोर्ट में अंदर कैसे घुसे हैं, कोई खोलने वाला तो होवे कम से कम, ऐसा से वहाँ अमेरिका वगैरह में देखा था, यहाँ तो शायद मैंने देखा नहीं कहीं, है ना, वो सेंसर लगा रहता है उसमें, तो वो किसी को पूछा कि यार कोई गेट खेलने वाला खोलने वाला नहीं है, बोले आप आगे बढ़ो
गेट अपने आप खुलेगा, खुलेगा ही खुलेगा अगर आप उसकी रेंज में चले गए। जो अभी बात आई थी सविकल्प निर्णय की, सविकल्प स्वसंवेदन की, यथार्थ निर्णय की, अगर वो आप उस भूमिका में हो गए तो कर्मों का अनुभाग रस भीला होगा होगा और होगा। इसमें पुरुषार्थ के प्रकरण में यही बात लिखी, क्या पुरुषार्थ करना, यही बात लिखी। तुमको तत्व निर्णय करो, बाकी सब तत्व निर्णय माने वो एक्सीलेटर की पहली सीढ़ी, क्या बोलते एक्सीलेटर, क्या बोलते स्वचलित सीढ़ियां, अपन तो हिंदी वाले हैं, स्वचलित सीढ़ियां, उसकी पहली सीढ़ी पे कदम रखा यानी तत्व निर्णय यथार्थ हुआ, फिर तो वो सीढ़ी तुम्हें ऊपर ले जाएगी। तो ये हमें कर्मों के भरोसे नहीं बैठना है, अपने स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ में ऑटोमेटिक कर्मों का वैसा परिणमन होता है। देखो बुखार उतारना हो तो थर्मामीटर में उतारना पड़ता है कि अपने में उतारना पड़ता है, है? बुखार दवाई के थर्मामीटर को काढ़े में डुबो दें या पानी में डुबो दो, उसका तो पारा जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारा तो बुखार उतर जाएगा। यहाँ बुखार उतरेगा तो थर्मामीटर उतरा हुआ बताएगा, समझ में आए ना। उसी तरह से हम अगर इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो कर्मों का उपशम वगैरह जो होना होता है वो अपने आप होगा। अब मुझे तो ये नीचे का पैराग्राफ बताना था। कारण तो अनेक प्रकार के होते, ये उन्होंने पांच समवाय वाले कारण की बात नहीं कही, क्योंकि वो तो प्रत्येक कार्य में पांच होते ही होते, समझ में आए ना। और यहां दूसरे टाइप की बात, कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या ना भी हो, मतलब अन्वय व्याप्ति नहीं है, वितरित व्याप्ति है कि उसके बिना नहीं होगा। ये होगा तो कोई गारंटी नहीं है, और थोड़ी बात थोड़ी ऐसी इसमें उदाहरण जो दिया है हो सकता है वो अपने को थोड़ा अटपटा लगे। मुनि लिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, ये तो वितरित व्याप्ति है ना, कि अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा, ये वितरित व्याप्ति कहलाती कि इसके बिना ये नहीं होना। तो मुनि लिंग धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसकी एक बिल्कुल अलग व्याख्या है वो कभी यथा समय आएगी तो आपको सुनने मिलेगी। समझ लो वो एक स्टेशन है ऐसा, उस छठवां सातवां गुण स्थान में भले अंतर मुहूर्त के लिए गाड़ी खड़ी होगी होगी, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे, समझ में आया ना। तो उसके बिना नहीं होगा, और जब छठवां सातवां गुणस्थान की भूमिका बनती है तो देह पर वस्त्र रह ही नहीं सकता, वो तो पहले उतर जाता है बाद में वो भूमिका, वो पांचवें गुणस्थान के परिपक्व होने। चलो आपको थोड़ा अच्छा लगे, नींद नहीं आए और मेरी भी नींद भग जाए, ऊर्जा और आ जाए, क्या बोलते हैं अपन भजन आप गा रहे थे ना ऊपर, कौन गा रहा था, बहुत बढ़िया लय ताल में निर्गत होता मार्ग है। कोई जीव मुनि कैसे बनता है, मुनि होने के भाव कैसे आते होंगे उसको, क्या है वो, शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता है, तीन कषायों का तब राग परिणति से सहज ही टलता है, ओ वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उनमें तन पर धारा है। बड़ी प्यारी धुन भी बहुत प्यारी है और बोल भी बहुत उत्कृष्ट है, हैं? तो जहां अप्रत्येक प्रत्याख्यानावरणी कसाय टल गई, यानी सर्वारंभ परिग्रह का त्याग रखने का भाव जहां प्रकट हो गया, तो ये वस्त्र की उपाधि को, अरे उन्हें लाभ की उपाधि पसंद नहीं, 28 मूल गुण के विकल्प भी समझ लो उसमें उद्यम तो है लेकिन उत्साह नहीं ऊर्जा नहीं है,
अब वो क्या करें, गृहस्थी, जैसे गृहस्थी में किसी को तत्व की रुचि हो जाए तो धंधा व्यापार थोड़ी छोड़ देता है, बाल बच्चों को संभालना, उनका संस्कार करना, ये कोई थोड़ी छोड़ देता है। अब रुचि होगी तो हो गई, वो काम बिना उत्साह के होते हैं और आत्महित का कार्य उत्साह पूर्वक होता है। तो मुनि लिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन मुनि हो गए तो गारंटी नहीं है, तो क्या है फिर? अब कौन सा काम बाकी है भैया? अब वो अंदर का काम, जो अंदर की ओर ऊर्जा है ना, वो समझ रहे हैं ना, लास्ट स्टेज वाला जिसमें वो विक्रम चंद्रमा पे उतर रहे लेटेस्ट होने चाहिए ना भाई, है वो लास्ट स्टेज वाला काम वो बाकी है, उसका मैंने चौथे छंद में उल्लेख किया है। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं, मोहरि कुछण में तब भस्म हो जाता। कौन से गुण स्थान की बात है सुशील जी? कौन से गुण स्थान की बात है? मोहरि कुछण में तब भस्म हो जाता श्रेणी जब चढ़ते। ये बारवा हो गया यथाख्यात। अब तेरवा, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी। अब ये सोचना चाहिए कि क्या है निर्ग्रंथों का मार्ग, है निर्ग्रंथ मार्ग अनूप के सिद्ध चक्र विधान में भी आता है। कौन सा मार्ग है? ये द्रव्य स्वभाव को ऊर्ध रखना, जो 97 नंबर का भूल चला था ना, वो निर्ग्रंथों का मार्ग है। निर्ग्रंथों ने ये बताया है, बहुत बरस पहले मैंने इंद्रदश विधान में एक पूजा की जयमाला डाली थी, सबसे पहले ये प्रयोग उसमें किया। उस समय पंडित जी की रचनाओं से भी मुझे परिचय नहीं था और वो रचनाएं छपी भी नहीं थी। निर्ग्रंथों ने ग्रंथ रचे जिनमें यश गाया, देखना इंद्रदश विधान की पहली पूजा की जयमाला। निर्ग्रंथों ने ग्रंथ रचे जिनमें यश गाया, अनंत भगवान का, ऐसी बात है। तो भैया अगर गारंटी नहीं है तो हमारा तो उत्साह ढीला पड़ जाएगा कि हम मुनि बन गए और मोक्ष नहीं हुआ तो क्या फायदा। अरे जो काम होना है वो मुनि बनने के बाद ही होएगा। अब इसको थोड़ा करुणान योग के, थोड़ा भी जिनको जनरल नॉलेज है वे समझ जाएंगे। संजनन कषाय का अभाव होना चाहिए और जब तक तीन चौकड़ी का अभाव नहीं होगा तब तक संजनन कषाय का अभाव का पुरुषार्थ ही नहीं होगा। वो कब होता है? वो 8वें से लेकर 12वें गुण स्थान की भूमिका में होता है। संजनन मान, संजनन स्त्री वेद, संजनन पुरुष वेद, संजनन भय, संजनन लोभ। और संजनन का मतलब जानते हैं आप? ये मुझे बड़ा समझ लो, अगर घूमट साल मेरे सामने लिखा जाता तो मैं करेक्शन प्रस्ताव रख देता। नाम तो है संज्वलन, सम्यक प्रकार से ज्वलन उत्पन्न करने वाली, और उसकी पावर कितनी होती जानते हैं? पानी में लाइन खींचो वो कितनी वीक रहती, खिंचती नहीं है, ऐसी होती। अनंतानंदी होती है, पत्थर में लाइन खींची, उधर न जाने कब भरेगी कब पूरी होगी, कोई ठिकाना नहीं। फिर अप्रत्याख्यानावरणी होती है, वो लकड़ी में लाइन खींची, वो कील से आपने कोई नाम लिख दिया लकड़ी में तो वो उससे तो कमजोर है ना पत्थर वाली से। ये कषाय के लेवल हैं, ये सब ये कषायों के पावर कितने कम ज्यादा होते हैं उसको समझाने के लिए उदाहरण है। वो अप्रत्याख्यानावरणी जब जाती है तो जीव देश वृत्ति होता है,
और प्रत्याख्यान वर्णी होती है, रेत में अपना नाम लिख दो लाइन खींच करके, एक हवा चलेगी और उड़ जाएगी, इतनी कमजोर होती है। तो मुनिराज की ये तीनों लेवल की कषायें समाप्त हो चुकी हो, उसको कहते हैं मुनि। समझ में आया ना, न तो पत्थर की रेखा रही, न लकड़ी की रेखा रही, न रेत, अब कौन सी बची, पानी की। तो भी आचार्य देव प्रभु तुम संजलन नाम रख रहे हो यार, ये तो बड़ा आश्चर्य है, और ये कोई गलत नहीं है। सुनना ध्यान से, ये मनुष्य लोग जो पंडित साहब का उदाहरण दे रहा हूं मैं, उन्होंने दिया वो वाला कि लोग कहते आप हरी घास पे नंगे पैर चलो तो आंखों में ज्योति बढ़ती है। तो जो असंयमी लोग हैं या ज्यादा जिनको आंखों की चिंता होती है, हैं, वो जिन्हें जीव दया का परिणाम नहीं होता है, वे लोग फिर हरी घास पे आराम से चलते। तो मनुष्य अगर हरी घास पे बैठ जाए या चले तो ठंडक महसूस होती है, और मछली को निकाल के रख दो हरी घास तो क्या होगा, तड़पेगी। जिसमें हमें ठंडक लगती है उसमें उस मछली को तड़पन महसूस होती है। तो अपन लोग तो तीव्र संकलित परिणाम की भूमिका वाले हैं, विषय कषाय वाले, खाना पीना उठना बैठना ये जाना आरंभ परिग्रह, अपन लोग तो महासंजलन वाले अनंतानंद जिसको, तो अपन थोड़ा देवगुरु की शरण में आ जाते, तत्व सुन लेते, ये फिर दृष्टि प्रधान जैसी अमृतमय बात मिल जाए तो अपने को मनुष्यों जैसी ठंडक होती है। लेकिन उसी ठंडक में मुनीश्वर अगर उस परिणाम में आ जाए तो मछली जैसी तड़पन होती, इसलिए उसका नाम संजलन। समझ में आया ना, उनकी दृष्टि से देखो, उनकी भूमिका से, कि जो चैतन्य का निर्विकल्प अतिंद्रिय आनंद पीते हुए लेकिन अब उसमें स्थिर नहीं रह सके तो विकल्प की भूमिका में आ गए। बाहर से कुछ फर्क नहीं होता कि कपड़ा पहन ले रहे, कि आरंभ परिग्रह करने लगे, कि लौकिक कामों में लग जाए, वो भूमिका इतनी नहीं बिगड़ती उनकी, विकल्प आ जाते, या तो चलने का विकल्प नहीं, और चलेंगे तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलें, वो संजलन कसाय जिसे हम चारित्र मान के पूछते हैं, जो सम्यक चारित्र की पैकिंग है। समझ में आया, पैकिंग को भी संभाल, अगर उसके भीतर माल है तो पैकिंग को भी तो संभाल के रखना पड़ता है ना, तो वो सम्यक चारित्र की पैकिंग है और हम उसकी पूजा करते हैं, मान मुनिराज की कलकी होगी ना पूजा है, वो संजलन के शांति हो गए, ये काम रह गया। इसलिए मुनि होने के बाद अगर ये काम होगा, संजलन का भी अभाव, यानी जिसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं यथा ख्यात चारित्र, हम लोगों ने प्रवचन सार विधान कई बार किया, आज दो पांच स्वाध्याय भी उसके किए, शायद पौने 300 प्रवचन उसके हैं, वो अभी यूट्यूब पर नहीं आए हैं, सीडी में है, आ सकते हैं भविष्य में। और पहले हम सीडी दे भी गए थे लेकिन उसमें प्रवचन सार था कि नहीं मुझे पता नहीं है, उसमें प्रवचन सार सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा करके प्रारंभ किया गया, साम्य भाव में उत्पन्न करूं, ऐसा है ना वो है, क्या है वो, हाँ, प्राप्ति करूं मैं साम्य की, ऐसा। और फिर बाद में दूसरी सब बातें आई हैं। तो कहने का आशय ये है कि जो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज होते हैं उन्हें सामायिक चारित्र छेदोपस्थापना चारित्र, पांच है ना, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्याय, पांच तरह के चारित्र के लेवल बताए। तो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र होता है। चरणान योग चूलिका में छेदोपस्थापना चारित्र का वर्णन, पहले तो मुनि होने की प्रक्रिया बताई है, अभी तो शायद डॉक्टर साहब के प्रवचन अभी तो ये 10 धर्म के चल रहे हैं जो तो नागपुर में उनके हुए थे बहुत साल पहले निर्माणी चैनल पर, लेकिन बाद में वो चरणान योग चूलिका के चालू हो जाएंगे। खैर, ये काम नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी, और बिना मुनि बने ये काम होगा नहीं, ये बात है। और कितने ही कारण ऐसे हैं,
कि मुक्त है तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि हो जाती है। इसमें अपवाद भी है, जैसे अनसनादि बाह्य तप, भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया, तो अनशन तो हुआ ही नहीं, उन्हें उपवास तो किए ही नहीं, और भी जो है, अरे अनशन नहीं हुआ, अमोदर नहीं हुआ, व्रत पर संख्या नहीं हुआ, आहार संबंधी जितने भी तप कहे गए हैं वे तो उनको टाइम ही नहीं हुआ ना, तो उनके बिना भी हो गया। तो दो दूसरे नंबर के कारण ऐसे, पहले नंबर के कौन से, जिनके बिना नहीं हो लेकिन होने पर गारंटी नहीं, दूसरे जो प्राय होते हैं लेकिन नहीं होवे तो भी, जैसे माता पिता इत्यादि होवे शादी के समय तो शोभा देता है, किसी के नहीं हो तो क्या शादी नहीं होगी क्या, तो भी हो तो जाएगी ना। ये ऐसे है बाह्य तप, जो बाह्य चारित्र है उसकी भूमिका ऐसी। अब तीसरे की दोनों तरफ से गारंटी, देखो क्या है ना, जैसे अनशनादि बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु भरत आदि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहुत मजा आ गया है, बड़ा अपन को भी ऐसे ही होना चाहिए। तो इसकी बाहर दृष्टि, अपन को ऐसा लगता है यार आदिनाथ ज्यादा घाटे में रहे कि भरत चक्रवर्ती जा रहे, फायदे में कौन रहा, यूं करो भरत जैसा मोक्ष बढ़िया है, आदिनाथ को तो दीक्षा लेने के 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ और भरत जी को अंतर मुहूर्त में हो गया, तो फायदा कौन था। अरे पता नहीं है, दीक्षा एक केवल ज्ञान के अंतर मुहूर्त पहले तक भरत चक्रवर्ती कौन सी दशा में थे, चक्रवर्ती थे ना तो असंयम गुण स्थान था, चक्रवर्तियों को देश संयम भी नहीं होता, समझ में आया ना, तो असंयम गुण स्थान था, 3 कषाय का उदय था, 3 कषाय चौकड़ी का, तो वो उतने राग की ज्वाला में जल रहे थे और आदिनाथ मुनि कम से कम 1000 वर्ष तक तो वो प्रचुर, वो चौथा बोल है ना 5वीं गाथा में, प्रचुर स्वसंवेदन अतिंद्रिय आनंद उसमें झूलते थे, तो कहां कष्ट में थे। बाहुबली को 1000 वर्ष तक, 1 वर्ष तक खड़े रहे, फिर बाद में केवल ज्ञान हुआ, तो 1 वर्ष बहुत कष्ट सेना पड़ा होगा। अरे जिसे इस बाह्य आचरण में कष्ट दिखता है उसे चारित्र का स्वरूप ही पता नहीं है, है? ऐसा है जैसे ये, ये, ये मनोविज्ञान ऐसा है कि कोई अपना बहुत प्रिय मित्र या प्रिय मेहमान घर पे आवे तो उसकी व्यवस्था में कुछ अपने को स्पेशल तो करनी पड़ता है, जैसे उसके नियम है, धर्म है, घर का दो क्या बोलते हो, दूध दोहा के लाना सामने और आटा मसाला अगर त्यागी वृत्ति है, लेकिन अपन को उनके प्रति बहुमान है तो वो तो कहते हैं हमारे लिए कष्ट मत करो आप, और अपन क्या महसूस करते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें कष्ट काय का, ये तो हमारे सौभाग्य की बात, बोलो वो मायाचारी से नहीं कहते, प्रसन्नता होती है कि धन्य भाग्य है हमारे घर में ऐसे त्यागी वृत्ति साधर्मी इत्यादि जो है वो पधारे, तो हमें थोड़ा उनके साथ समय बिताने का, उनके लिए कुछ व्यवस्था करने का अवसर मिला, तो इसमें जो धर्मात्मा जीव है उन्हें आनंद आता है, और दुनिया कहती है कि वो खुद ही कहते हैं हमारे लिए कष्ट मत करो। ऐसे ये बाह्य चारित्र में बहिर्दृष्टि वालों को तो कष्ट दिखता है और मुनि राजाओं को आनंद आता है, क्योंकि वो बाह्य चारित्र से नहीं आता, वो तो उनकी भूमिका में सहज होता है। अभी तीसरा देखना, तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है और जिनके न होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती, मतलब दोनों तरफ से गारंटी है, तो वो होगा तो काम अवश्य होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कौन सा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, यहां एकता के साथ में पूर्णता भी समझ लेना, समझ में आए ना, होने पर तो मोक्ष होता ही होता है
और उनके न होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता। तो ये कारण कहे उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग जानना। अब उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करनी है, वापस 309 पेज पर आ जाइए अपने प्रकरण में। आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, कार्य की सिद्धि होती ही होती है। ये तीसरे नंबर के कारण बताए। और जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, ये बाह्य तप वाले बाह्य आचरण वाले उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, मतलब पुरुषार्थ होगा तो कार्य सिद्धि होगी, न मिले तो सिद्धि नहीं होती। चलो ठीक है, एक फार्मूला हमने बता दिया। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है इससे मोक्ष होता ही होता है। क्या कहा मोक्ष का उपाय, अभी बता दिया। क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्वा सूत्र का पहला सूत्र है, हाँ? जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार, यानी ऊर्जा तो है उत्साह तो है लेकिन दिशा सही नहीं है ना, गाड़ी भी आपके पास बढ़िया 15-20 लाख वाली सुपर जो है अच्छी है वो है, उसमें पेट्रोल वगैरह भी जो है वो सब है, और सड़क भी बढ़िया 4 लेन हाईवे बिना गड्ढों वाली, समझ में आया, लेकिन दिशा गलत हो गई तो क्या होगा, वो गाड़ी भी वो सड़क भी वो ऊर्जा भी आपको मंजिल से दूर ही करती रहेगी। देखो ये मंजिल पर पहुंचने के लिए सबसे पहला महत्व सही दिशा का है, इसलिए आज की टेक्नोलॉजी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप तो वो लगा लो जीपीएस, क्या बोलते जीपीएस बोलते हाँ ग्लोबल क्या है बहुत सी चीजें ऐसे हैं अपन यूज करते हैं और फुल फॉर्म नहीं जानते, लेकिन हमने कही हो तुमने समझ ली काम हो गया। एक बार अमेरिका के किसी सिटी में था तो मैं फोन पर किसी से कह रहा था कि एक काम कर तू पीडीएफ बना के भेज दे मेरे को, तो दूसरा नहीं जयपुर की बात तो दूसरा कोई सुन रहा था, बोले आप जैसे लोग पीडीएफ शब्द का उपयोग कर रहे हैं हमें बड़ी खुशी हुई कि आप भी एडवांस हैं अपडेट हैं टेक्नोलॉजी में, अब उतने तो नहीं है जितने ये बच्चे लोग हैं, समझ में आया। तो फिर मैंने प्रवचन में बोला तो वो अमेरिका की बात प्रवचन कि मैं पीडीएफ शब्द का यूज करता हूँ लेकिन मुझे पीडीएफ पता ही नहीं क्या होती है, कुछ होता है जिसमें वो फाइल आ जाती है बस। तो पीछे से पूनम चंद जी लोहाड़ी आए, उनके पुत्र थे वहां पर, वो कौन सा शहर था मुझे पता नहीं, उनने बताया क्या बोला किसी को मालूम है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल पीडीएफ, तब मुझे भाव भाषण हो गया तब भाव भाषण हो गया है, ऐसे बहुत से शब्द हैं। तो देखना भाई मंजिल के लिए दिशा जरूरी है, और आपने सही दिशा पकड़ी क्यों है, मंजिल पे पहुंचने के लिए पकड़ी ना, तो गति नहीं होगी ऐसा हो ही नहीं सकता, भले गति मंद हो आप हम 2-व्हीलर से जा रहे हैं ऑफिस तो गति मंद होगी, कार से जा रहे हैं तो गति तीव्र होगी, मुंबई की मंजिल है मान लो मुंबई जाना है तो ट्रेन से जा रहे हैं तो वैसी स्पीड होगी, फ्लाइट से जा रहे हैं तो वैसी स्पीड होगी, लेकिन डेस्टिनेशन जो आपका है मंजिल उसकी दिशा सही होना चाहिए। ये मैंने कौन सी शब्द का अर्थ किया, आज्ञानुसार, जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, ये उपाय माने उद्यम, उसके काल लब्धि और होनहार भी हुए हैं, ऐसा नहीं तुम तो पुरुषार्थ करो
और कालब्धि नहीं होगी तो भी काम हो जाए। अरे नहीं होगी का सवाल क्या है? जिस कार्य में काल जिस काल में कार्य होना है उसी को तो कालब्धि कहते हैं ना। अच्छा ये एक काल नाम का मैं फिर कहता हूँ आपको, पंचास्ती काय के जो प्रवचन हैं जिन्हें भी इंटरेस्ट हो तो पहले तो आप ग्रंथ में गाथाएं देख लें। काल संबंधी वर्णन दो जगह आया है, फिर उन गाथाओं संबंधी आप प्रवचन की सीरीज निकाल लें। सुनना हो तो मुझे फोन करना, मैं निकाल के प्रवचन नंबर आपको बता दूंगा। वो बहुत जोरदार, काल का क्या स्वरूप है विचित्र। आज कौन सा दिन है? रविवार, रविवार है ना। कल कौन सा था? कहां गया शनिवार? कहां गया? और जो सोमवार आने वाला है ना कल, वो कहां है आज? ये काल का त्रिकाल प्रवाह अखंड का स्वरूप बताता है। ये प्रश्न जो है आपके काल के अखंड प्रवाह को, जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं वैसे वर्तमान यानी एट प्रेजेंट वो तो उठती हुई लहर है, और भूत और भविष्य वो शनिवार की घटनाएं नष्ट हो गई, लेकिन शनिवार का जो टाइम फैक्टर है वो काल के प्रवाह में ही समा है। इसका नाम है पर्याय द्रव्य में समा जाता। उपाधियां नहीं जाती, केवल ज्ञान द्रव्य में जाता नहीं है और द्रव्य में से आता नहीं। बात समझ में आती है, है? वो तो लहर, लहर की पावर है, वो जो लहर उठी है उसकी शक्ति है, वो द्रव्य के लक्ष्य से होता वो जुदी बात है। समझ में आया ना? ये चार भाव उपाधियां हैं, उदय उपशम क्षय, और ये पर्याय नहीं है, ये पर्याय में होने वाली उपाधियां हैं। जैसे संतान पैदा हुई घर में तो वो तो एक संतान मात्र है, सामान्य तो किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का पोता है, किसी का ऐसा है, तो ये सब क्या है? ये दिगंबर है कि श्वेतांबर है कि तेरापंथी है कि हिंदू है कि मुस्लिम है सिख है कि ईसाई है, है? ये सब कहां से आया? ये अपन ने अरे बिना कपड़ा के आता है दिगंबर आता है भाई, कुदरत दिगंबर है। अब मैं उदाहरण दूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। ये हमारे प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमारे हेड मास्टर ने बताया, क्या हुआ कि हमारे गांव में पहली बार एक मुनिराज आए थे तो हम बड़े खुश हुए कि मुनिराज को देखने मिलेगा। तो हमने दूसरी तीसरी पढ़ते तो अपने दोस्तों को भी कह दिया तुम लोग भी आना, अभी भी आए। दूसरे दिन वे चिढ़ाने लगे कि तुम्हारे बाबा तो नंगे रहते, तुम्हारे महाराज तो नंगे रहते, और हमें बड़ी शर्म लगी, कोई उपाय नहीं था हमारे पास उसको फेस करने का। तो हम अपने हेडमास्टर के पास गए, वो सिविल थे, सिविल माने स्कूल मिलिट्री था आर्मी का, और हेडमास्टर सिविलियन थे। तो उनसे कहा बब्बा जी ये लड़के हमें चढ़ाते, उनका क्या बोलते हैं? ये कहते तुम्हारे महाराज नंगे रहते। तो उनने एक दुबे ब्राह्मण उनने जो जवाब दिया वो आप कल्पना नहीं कर सकते। उनने बोला अब जब वे चिढ़ाएं तो उनसे पूछना कि जब तुम पैदा हुए थे तो क्या कोट पहन के आए थे? मुझे उस समय जवाब ही समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर बाद में सोनगढ़ गए, खेमचंद भाई ने मुनिराज नग्न क्यों होते हैं उसके बोल बताए, तब समझ में वो भाव भाषण हुआ वो ये कहना चाहते। तो ये पर्याय जो है नग्न बालक के समान, परिणाम मात्र, उत्पाद स्वरूप, कालांश को देखो। प्रवचन सार में ऐसी भाषा है, प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश को परिणाम कहते हैं, विस्तार क्रम के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं। विस्तार माने फैलाव, स्पेस, यहां से वहां तक कितना लंबा होगा, ये हाल होने का 80 फीट है तो ये इसका विस्तार हुआ। अब इसका सूक्ष्म अंश अपन मिलीमीटर तक ले सकते हैं और माइक्रो मिलीमीटर तक ले सकते हैं और शास्त्रीय भाषा में प्रदेश तक ले सकते, ठीक है। और प्रवाह क्रम यानी कल से आज तक, आज से कल तक शताब्दियां ये वो सब, इनका जो सूक्ष्म अंश है उसका नाम है परिणाम। तो प्रत्येक गुण में उसका जो प्रति समय परिणमन होता है
वो तो उसका स्वभाव है, लेकिन उसमें जो उदय उत्सम क्षय उत्सम भाव होते हैं वो उसकी होनहार है, और उसमें जो उसका शक्ति लगती है क्रिएशन में वो उसका पुरुषार्थ है। समझ में आया? ऐसे चार समवाय उस पर्याय में होते, चारों फैक्टर। देखो जो प्रश्न भी आया था मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूं, कहां थे? तो जो पुरुषार्थ 310 पेज पे है ना, जो पुरुषार्थ करते हैं उनके होनहार भी हुए और कर्म के उपशम आदि हुए, तो वो ऐसा उपाय करता है। इसलिए फिर लिखा, जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं। देखो एक बात ऐसी है कि क्या करना, वो करने के उपदेश में चार समवायों में कुछ भी करने का उपदेश भी संभव नहीं। स्वभाव में कुछ किया जाता है, आत्मा को चेतन बनाना है, चैतन्य है ऐसा जानना, समझ में आया? नीम को कड़वी बनाना है, मिश्री को मीठी बनाना है, तो स्वभाव में कुछ करने की गुंजाइश नहीं। ठीक है, अभी पुरुषार्थ को छोड़ दो। नियति माने टाइम फैक्टर, तो आपके हाथ में है टाइम जल्दी लाना है, देरी से लाना है, पीछे करना आगे करना, वो आपके हाथ में है, वो हमारे हाथ में। 24 घंटे में ही हों। वो डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं कि बेटा हुआ, अब माँ कल्पना करने लगी जल्दी बड़ा हो जाए, 10 वर्ष का हो जाए, 25 वर्ष का हो जाए, फिर बहू आ जाए, जल्दी बड़ा करना। एक काम करो, 1 साल में 5 साल का हो जाए, तो 5 साल में 25 साल का हो जाए, 10 साल में 50 साल का हो जाए, और तुम क्यों क्यों रहोगे? तुम 1 साल में 1 साल के हिसाब से बढ़ोगे, और बेटा 1 साल में 5 साल के हिसाब से बढ़ेगा। हैं, कोई भी काम जो समझ लीजिए उसकी टाइम सेटिंग है, इन लोगों ने जो इतनी कैलकुलेशन करी कि इतने घंटे में इतने मिनट पे 2 बजे रात को 1:53 पे ये काम होएगा, समझ में आया ना? तो वो टाइम जल्दी आ जाए, क्योंकि मोदी जी को नींद आ रहा है, इसलिए वो 12 बजे वो 1 बचा दो, ये संभव है? यानी काल लब्धि में हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता, न चलाने की जरूरत है। काल तो अपने प्रवाह से अपनी सेटिंग से बढ़ता है। होनहार तो जो है वो नक्की अपन ने कर लिया कि मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, वो होने योग्य कार्य है। जो भी कार्य होता है वह सब होना है। निमित्त में भी कुछ नहीं करना पड़ता, निमित्त तो उपचार से कहा जाता है। इधर नैमित्तिक भाव हुआ तो बताया ना, कर्म के 6 उपशम इत्यादि वो सब होते। करने का उपदेश यदि होता है तो वो पुरुषार्थ की प्रसंग में ही होता है, करने की भाषा में ही होता है। अभी मुझे गुरुदेव के एक बात याद आ रही थी, प्रवचन की जब भाई का चल रहा था, तो धन्यालाल जी एक पंडित जी थे, वो बीच बीच में प्रवचन में भी, तो करें क्या ये तो बताओ, विधि तो बताओ महाराज, ऐसा बहुत पूछते थे वो। तो गुरुदेव हंसते हंसते जवाब देते, क्या करना? पर्याय इस तरफ जाती है तो इस तरफ बालना, द्रव्य की दृष्टि करना। अभी जो आया एक वाक्य, द्रव्य को हमेशा ऊर्ध रखना, तो इसमें करने की भाषा आई कि नहीं आई? ये काम करना। अब करने का सबसे बड़ी बात ये है कि पुरुषार्थ और क्रमबद्ध की बात तो मैं कल करूंगा इसके समापन में, आज थोड़ी पुरुषार्थ की ही बात कर ले। हम ये समझते हैं कि शरीर की क्रिया करना, व्रत करना, उपवास करना, पूजा करना, पाठ करना, ये पुरुषार्थ है, तो ये हमारा कार्य ही नहीं है, ये तो वचन की क्रिया है, काय की क्रिया है। तो जो जिस द्रव्य में जो पुरुषार्थ होगा वो द्रव्य अपने कार्य में ही तो पुरुषार्थ करेगा, यानी हमारा पुरुषार्थ हमारे ही में चलेगा कि पर में चलेगा? हमारी पॉलिसी अभी देखो साहब, अपने कश्मीर में से तो हमने धारा 370 हटा ली, POK में से नहीं हटा सकते। क्यों? अभी वो हमारा,
हम अधिकार जताते हैं ये कानूनी आपका है। आपको मालूम पीओके में 24 विधानसभा सीटें हैं और अपनी गवर्नमेंट इतनी चालाक है वो कहती है कि वो 24 में अभी हम चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि वहां हमारी चलती नहीं, जाएंगे अगर तो वो अतिक्रमण माना जाएगा, दूसरे देश में घुसना माना जाएगा। समझ में आया ना, जब हम ले लेंगे तब 24 विधानसभाओं में चुनाव कराएंगे। तो अपने यहां की गणना में वे 24 गिनती शामिल है लेकिन उस पर चुनाव नहीं होता। कहने का आशय ये कि जो हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है उसमें पुरुषार्थ हमारा चलता ही नहीं है। अब इसलिए तो गुरुदेव बार बार पैसा कमाना वो आत्मा कमा नहीं सकता, दान देना वो आत्मा दे नहीं सकता। हम तो आत्मा है ना और पैसा जड़ है तो उसका ट्रांसफर होना वो हमारे हाथ में है। अब बच्चे जन्मते हैं तो उनको जन्म भुट्टी पिलाओ, उनकी मालिश करो, उनकी सेवा शुश्रूषा करो। माता पिता बड़े अभिमान से कहते हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो वो तुम उसमें पुरुषार्थ वाले फैक्टर में नहीं हो, तुम उसमें निमित्त कहे जाओगे क्योंकि तुम्हारा विकल्प और प्रयत्न उसके अनुकूल थे। इसलिए हम निमित्त तो कहे जाएंगे लेकिन वो पुरुषार्थ माने नहीं किया और न बच्चे के आत्मा ने किया, वो शरीर के परिणमन में ही वो पुरुषार्थ डेवलप हुआ। हर द्रव्य में भी ये शक्ति है, धर्म धर्म आकाश काल से अपन को मतलब नहीं है लेकिन पुद्गल की शक्ति तो अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है वो 100-150 रुपए में बिकने वाले कैलकुलेटर, अब तो वो मोबाइल में आ गए, पहले वो बिकते थे ना कैलकुलेटर 150 रुपए में मिलते पान वालों की दुकान, अब वो 3636 में 5353 का गुणा कर, दो घंटा लग जाए हम तो कर ही नहीं पाए। समझ में आया ना, और एक उसमें 3636 लिखा और 5353 लिखा और गुणा वाला बटन दबाया वो तुरंत बता। समझ में नहीं आता उसको इतनी अकल आ कहां से जाए। इससे एक बहुत गंभीर बात सिद्ध होती है कि परलक्षी चाहे उसम ज्ञान भी जड़ है क्या, ये नहीं तो उसमें जड़ में ये कैसी बुद्धि आ गई, कैसे उसने कैलकुलेशन कर लिया। तो टेक्नोलॉजी है ना, तो तुम्हारे ज्ञान की इतनी कीमत है कैलकुलेशन जितनी है। देखो अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न अति शुभा शुभ की जड़ता तो दूर पराया ज्ञान वहां पर की। जो कर्म के संयोग संघ के निमित्त से जिस तरह उदय के निमित्त से होने वाले राधा भी वो चेतना विहीन है, उसी तरह क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला परलक्षी ज्ञान वो भी जड़ है वास्तव में। ये अपने शुद्ध चैतन्य ज्ञान की अपेक्षा है तो उसमें भी चेतना का परिणमन, लेकिन जो जो इसमें कैलकुलेटिव जो है ना उसकी में क्या कीमत है। बात समझ में आई, तो पर में पुरुषार्थ नहीं चलता, अपने पर्यायों में अपना पुरुषार्थ चलता है लेकिन उन पर्यायों के फेरफार करने में भी पुरुषार्थ नहीं चलता। अभी एक विचित्र बात है, मोक्ष मार्ग में हमें पुरुषार्थ करना है तो एक ऐसी इमेज बनती है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगी, जैसे वो कहते सुबह से योगा करो ध्यान करो। आजकल जो डॉक्टर साहब ने वो नई रचनाएं लिखी ना कभी चला ना उनका पाठ रविवार वगैरह को, तो उसमें इन बातों का बहुत सुंदर, मैं इस बात को एक बहुत सरल तरीके से समझा के आपका आज का कोर्स पूरा करता हूं। दुनिया में जो भी कार्य होते हैं वो अनेक लेवल पर अनेक स्तर पर होते हैं, जैसे बहुत से कार्य तो शारीरिक होते, अब पूजा आपको करनी है तो आप आओगे नहाओगे धोओगे धोती बदलोगे द्रव्य मिलेगी द्रव्य चढ़ाओगे, तो बहुत से कार्य हाथ पैर हिलाना पड़ता है, इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं आप, सामग्री भी हाथ ही से उठाओगे हाथ ही से चढ़ाओगे, कोई बाहर तो नहीं निकल जाओगे समझ में आया ना, शरीर के बाहर निकल के तो कोई काम करोगे नहीं।
तो अपनी मर्यादा व्यवहार से देखा जाए तो शरीर तक है। तो बहुत से काम तो शारीरिक होते, खाना खाना है तो उसमें व्यापार करना पड़ेगा हाथ का, पैसा कमाना है तो वहां ऑफिस में जाना, बैठना, ऑर्डर देना। और इसके अलावा ऐसे भी काम होते हैं जिसमें केवल वाणी का प्रयोग होता है, हाथ पैरों का नहीं होता। वाणी से बोला, हम आपका स्वागत करते हैं, किया तो कुछ नहीं। एक बार हम दादर स्टेशन पर उतरे तो वहां अनाउंसमेंट हो रहा था, तो सेंट्रल रेलवे दादर में आए हुए सब यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता है। हमने दिमाग में एक कल्पना की कि जब हम बाहर निकलेंगे, जयंती भाई, जब हम बाहर निकलेंगे तो रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी खड़े हो, सोफा लगा होगा, पंडाल लगा होगा, वे माला लिए खड़े हो, वे हमें माला पहनाएंगे और बिठाएंगे, चाय पानी के लिए पूछेंगे तो भाई साहब आपको कहाँ जाना है, तो हम कहेंगे बोरी बोली जाना है, तो टैक्सी कर देंगे और कहेंगे इस पे आप चलो, इतना स्वागत तो होना चाहिए कम से कम। कुछ नहीं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम इस काम की कठोर निंदा करते हैं। तो जी वाणी से तो हुआ ना, समझ में आया ना। संसद में जितने काम होते हैं, दुर्भाग्य की बात है, पहले भी हाथ पैरों से भी होते थे, अब कम से कम ऐसी सरकार आई कि जिसने हाथ पैरों का प्रयोग तो बंद करवा दिया है, लेकिन वाणी के प्रयोग संसद है कायदे बहस के लिए है ना। तो बहुत से काम वाणी से होते, समझ में आया, धन्यवाद देना ये सब। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो वाणी से भी नहीं होते, न उनमें वाणी की जरूरत पड़ती है, न शरीर की हाथ पैरों की जरूरत पड़ती है, वे केवल मन के विचार मात्र से होते। मन में विचार किया, निर्णय करना, ये मन के लेवल का काम है, वाणी और शरीर का काम नहीं है। अब उसमें सपोर्ट के लिए आपको आंखों से शास्त्र पढ़ना पड़े, शास्त्र उठाना धरना पड़े, लेकिन निर्णय तो आपको अपनी बुद्धि के स्तर पे मन के निमित्त से होगा, तो वो मानसिक कार्य। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो मन के लेवल पे होते। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें न शरीर काम करता है, न वचन काम करता है, न मन काम करता है, फिर भी वो करो किया ऐसा कहा जाता है। मैं बताऊं कौन से काम, कोई बता सकता है? पहले किसी सीडी वगैरह में सुना हूं, प्रतीक्षा करना। जैसे कि आप स्टेशन गए और वहां पता चला कि गाड़ी 2 घंटा लेट है, तो आप क्या करो? प्रतीक्षा करने के लिए क्या करना पड़ता है? मन नहीं लगता तो आप इधर उधर टहलोगे, अखबार पढ़ोगे, वो मोबाइल देखोगे, ये वो करोगे, वो प्रतीक्षा करना थोड़ी है, वो तो दूसरा काम है। प्रतीक्षा करने के लिए क्या करना पड़ता है? गजब बात, कुछ नहीं करना, इसका नाम प्रतीक्षा। अब प्रतीक्षा भी छोड़ो, आराम करना, वो कैसे किया जाता है? देखो भाई, सुबह प्रवचन के बाद में फिर थोड़ा मुझे 10 मिनट रेस्ट की जरूरत पड़ती है, फिर भोजन के बाद में मैं बिल्कुल 2 घंटा 3 घंटा आराम करता। क्या करते आ रहा है? तो पढ़ते हैं तो पढ़ना हुआ, वो आराम करना नहीं। आपको मतलब हार्ट अटैक हुआ हो तो डॉक्टर कहता है अब आपको पूर्ण विश्राम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? करना बोलते हैं ना, करना, और उसमें होना क्या है? नहीं करना। यानी वो जो दादा आजकल वो बताते हैं ना, वो माँ चिट्टर माँ जम्पर, समझ में आया ना, सोचो नहीं, बोलो नहीं, कुछ काय चेष्टा मत करो। तो मत करो, ये तो व्यवहार से कहने की बात है कि आप उसका विकल्प भी मत करो, समझ में आया ना, करो क्या, ये तो नहीं करना। टाइम तो हो रहा है लेकिन अभी मेरा मन है 2-5 मिनट का, चलेगा कि नहीं प्रतीक है? अच्छा, एक बार मैं भूलेश्वर में 10 लक्षण में गया, वहां पर डॉक्टर सुभाष जी चांदी वाले भोले के साथ 2 दिन बाद पूरे समझ लो उनकी समाज वगैरह का कोई संस्था होगी, वो जिनने उपवास किया है उनका सम्मान करने का कार्यक्रम। अगर आप रुक जाओ
तो आपका हम 15-20 मिनट का उनको कुछ उद्बोधन सुनाएंगे। उनने उनसे बात कर ली, उनने स्वीकृति दे दी और हमारा बोलने का नंबर आया। हमने जो बोला वो यहाँ बताता। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये सारी दुनिया जो कर्तव्य के को बड़े गौरव का चीज मानती है, करने को, आज उसने उनका सम्मान किया है जिन्होंने कुछ नहीं किया। उपवास करने वालों ने क्या किया मुझे बता, कि भोजन नहीं किया, तो नहीं किया मैं गया ना, करने में क्या हुआ? भाई हमने स्वाध्याय किया तो वो भी करने में गया, स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय का काम हुआ, ध्यान किया तो ध्यान का काम हुआ, पूजा करी तो पूजा, पाठ करी तो पाठ, उपवास करने के लिए क्या किया? मेरे तर्क समझ में आया ना? वो तो नेगेटिव है ना, कि भोजन नहीं करना इसका नाम उपवास करना है। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हम जो कहते हैं कि भाई कर्तापना छोड़ो, कर्ता बुद्धि छोड़ो, करने के विकल्प छोड़ो, तो आज जिनने कुछ नहीं किया है उनका सम्मान हो रहा है। ये अकर्तावाद की विजय है कर्तावाद के ऊपर है। तो नहीं करना, इसे करने की भाषा में बोलना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये परिणति को स्वरूप की तरफ ढालना, वो तो होना है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, द्रव्य दृष्टि करो, आत्मा का आश्रय करो। ये करने की भाषा में उपदेश उसके बिना नहीं दिया जा सकता, इसलिए सावधानी से सुनना कि उसमें करना नहीं है बल्कि करने की वासना, और ऊंचे स्तर पे जाओ तो करने के विकल्प, बंद होना, करना नहीं, बंद करना नहीं, क्या होना, बंद होना, वो वाली कोई। अच्छा देखो एक बात, ये जानना वाला ऐसा काम है कि जो होता तो है तो भी उसे करना बोला जाता है। ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, है भगवान ने केवल ज्ञान में लोका लोक को जानते हैं, तो जानने में जानना तो होता है, क्योंकि करने का कोई विकल्प नहीं है इसलिए वो भी अकरना ही करना है। ऐसी बात, इसका नाम मोक्ष का पुरुषार्थ। देखिए ऐसा है, कोई भी काम बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। नरक आपको जाना है ना, तो भी तीव्र पुरुषार्थ ही लोग सात्व नरक जा सकते हैं। सही कहता हूं, चौथे काल में लोग सात्व नरक तक जाते थे, इस काल में कहां तक जाते बोल बेटा? तीसरे से नीचे नहीं जाते, हिम्मत है सातवें तक जाने लगे। वे आतंकवादी, वे बेईमान, वे लुटेरे, वे भ्रष्टाचारी, वे सत्य व्यसनी, अगर वे भी नरकायु बांधेंगे तो तीसरे नरक से नीचे की नहीं बने। तो पाप में भी लिमिट है। ये पुरुषार्थ काम तो हो रहा है लेकिन ऊर्जा एनर्जी इतनी नहीं है कि वे सातवें नरक के परिणाम कर सकें, समझ? ये शास्त्र की बात है। और पुण्य में भी लिमिट कितनी, कि 16वें स्वर्ग से ऊपर श्रावक नहीं जा सकता, तो ये पुण्य की बात है। और मोक्ष के पुरुषार्थ की बात कितनी, कि 6वें 7वें मूल स्थान से ऊपर नहीं हो सकता, समझ में आया ना? तो ये पुरुषार्थ जो है, हम समझते हैं कि कुछ करने में है, जबकि वास्तव में ये मोक्ष के, मैंने बात इसलिए कही, पाप हो चाहे पुण्य हो चाहे वितराग भाव हो, उसमें हमारी ऊर्जा एनर्जी वीर गुण का परिणमन तो लगता ही है, बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य होता नहीं है। लेकिन हम यहाँ जो अकरना करने वाली बात कह रहे हैं वो सम्यक् का पुरुषार्थ, वो मोक्ष का पुरुषार्थ, जहां कर्ता बुद्धि टूट गई और सहज ज्ञाता बुद्धि प्रकट हो गई तो समझ लो सम्यक दर्शन हो गया, और करने के विकल्प टूट गए तो चारित्र की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मोक्ष के संदर्भ में ये बात है। बाकी और मिथ्या दशा में भी हम क्या पुरुषार्थ कर सकते सिवाय अपने विकल्पों के, समझ में आए? समझ सार में एक कलश आता है कि अज्ञानी विकल्प कहे परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम, यानी जो अज्ञानी जीव है वो विकल्प मात्र करता है। विकल्प माने
मान्यता करता है और राग ऐसा होता है, मैं खाना खाऊं, मैं पैसा कमाऊं, मैं ऐसा करूं, मैं प्रवचन करूं, मैं किताब लिखूं, ये सब विकल्प होते हैं। ये सब बातें गुरुदेव के प्रवचन में बहुत आती है। तो पर का तो आत्मा कुछ कर सकता नहीं, तो लेकिन विकल्प में और उस क्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने किया, हूं करूं एज अज्ञानता सकट नो भार ज्यो स्वान तान। कुत्ते की उम्मत ये गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, भैया बात कठोर जरूर है लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा है। जो कुछ भी होता है हमारे विकल्प होवे तो भी वो बिना विकल्प के हो रहा है, और नहीं होवे तो भी वो बिना विकल्प के होता है। तो ये अकरना इसमें पुरुषार्थ, मोक्ष का पुरुषार्थ इसमें है, बाकी विशेष कल अभी यही जानेंगे।